हेलो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं डू द पिक्चर्स सीन इन द कैमरा शो द रिफ्लेक्शन शो द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड जो आपने पिन होल कैमरा से जो भी ऑब्जेक्ट को सीन किया है डू द पिक्चर्स सीन इन द कैमरा जो भी आपने कैमरा की हेल्प से जो भी पिक्चर देखी है ठीक है उसका जो कलर है ऑब्जेक्ट का जो भी कलर है ऑन द अदर साइड आपको वो भी नजर आएगा आर द इरेक्ट और अपसाइड डाउन जो भी आपको इमेज दिखेगी वो सीधी दिखेगी या उल्टी दिखेगी सरप्राइज सरप्राइज ये आपके लिए सरप्राइज ये आपको करना है उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई हमें जो पिन होल कैमरा की के हेल्प से जो हमें ऑब्जेक्ट दिखा है उसका कलर हमें कैसा दिखेगा ठीक है और वो इमेज जो हमें दिखेगी वो सीधी दिखेगी या उल्टी दिखेगी तो लेट अस नो इमेज द सन अब हमें सन की इमेज को देखना है पिन होल कैमरा पिन होल कैमरा की हेल्प से जो हमने बनाया था पिन होल कैमरा उसकी हेल्प से हमने सन को देखना है स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस हमें थोड़ा हल्का फुल्का कुछ चेंज करना पड़ेगा सन को देखने के लिए विद नीड अ लार्ज सीट ऑफ कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड की लंबी सीट चाहिए और विद अ स्मॉल पिन होल इन द मिडल ठीक है एक पिन होल चाहिएगा उसके मिडल में ठीक है मतलब एक होल करना पड़ेगा कार्डबोर्ड विद स्मॉल पिन होल इन द मिडल और होल द शीट अप इन द सन एंड लेट इट सेडो फॉल ऑन द क्लियर एरिया ठीक है सन की तरफ उसको होल्ड करके ठीक है होल्ड द शीट अप इन द सन ठीक है और एंड लेट इट सेडो उसकी सेडो को कहाँ पे गिरने देना है क्लियर एरिया पे और डू यू सी अ स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडल क्या उस मिडल ऑफ द शेडो उस शेडो में जो सन की प्रेजेंस में जो हम कार्डबोर्ड को हम बीच में लगा के हम देख रहे हैं जो उसकी शेडो बन रही है क्या आपको एक सर्कुलर इमेज दिखेगी ठीक है कार्डबोर्ड सीट के सरफेस पे जो हमने एक हमने जो पिन होल किया था ठीक है मिडल में क्या आपको वो नजर आएगा या नहीं आएगा वो आपको देखना है लुक एट द पिन होल ऑफ सन तभी देखो वेन एन एक्लिप्स जब कोई एक्लिप्स हो रखा हो ठीक है मतलब सूर्य ग्रहण हो रखा हो लुक एट दिस पिन होल इमेजेस ऑफ द सन वेन एन एक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन आपके लोकेशन में कोई ग्रहण वगैरा लगाओ तभी आप उसको देख सकते हो एडजस्ट योअर पिन होल एंड स्क्रीन टू गेट अ क्लियर इमेज बिफोर द एक्लिप्स इट इज टू अकर ठीक है आप एडजस्ट करके रखो अपने पिन होल को और जो भी आपने स्क्रीन, जो भी आपने प्राप्त कर रखी है टू और जो भी आपने स्क्रीन बना रखी है जो भी आपने पिन होल अपने उसको एडजस्ट करना है इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि आपको क्लियर इमेज मिल सके और कब एडजस्ट करना है एक्लिप्स होने से पहले उसको एडजस्ट करना है तो लुक एट द इमेज एज द एक्लिप्स बिगिन और तब आप उस इमेज को देख सकते जब एक्लिप्स स्टार्ट हो ठीक है तो यू विल नोटिस अ पार्ट ऑफ द सन इमेज ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर एज द एक्लिप्स स्टार्ट ठीक है आप नोटिस कर पाओगे यू विल नोटिस अ पार्ट कपाल दन इमेज जो भी सन की इमेज है ग्रेजुअली बिकमिंग डार्क डार्कर होती जाएगी एज द एक्लिप्स स्टार्ट जैसी चंद्र सूर्य ग्रहण लगता है तो सन की जो इमेज है वो डार्क होती स्टार्ट हो जाएगी ठीक है आपको नजर आ जाएगी वो डार्क हुई है तो नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन कभी भी सन की तरफ हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आईज हमारी आंखों के लिए वो क्या है बहुत ही नुकसानदायक है ठीक है <coughs> तो देर इजन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर समटाइम्स वेन वी पास अंडर अ ट्री मतलब एक दूसरा पिन होल कैमरा है नेचर में जो हमें नेचर देता है पिन होल कैमरा कौन सा है समटाइम्स वेन वी पास अंडर अ ट्री जब हम किसी ट्री के ए, ट्री से होते हुए पास होते हैं कवर्ड विद लार्ज नंबर ऑफ लीव्स जो कि मतलब बहुत सारी पत्तियों से ढका हुआ है कोई पेड़ वी नोटिस स्मॉल ऑफ सनलाइट अंडर इट हमें मतलब ए, जो भी सूर्य की किरणें उस पर गिरती है ट्रीज पे तो स्मॉल पैचेस बनते हैं ठीक है अर्थ के सरफेस पे दिस सर्कुलर इमेजेस आर इन फैक्ट पिन होल इमेजेस ऑफ द सन और वो क्या होती हैं पिन होल इमेजेस होती हैं सन की ठीक है ये कोई ट्री है ठीक है और ऊपर से इसकी जो ब्रांचेज जो

तब आप इमेज को देखने की कोशिश करो जब कोई एक्लिप्स हो ठीक है अगला कोई एक्लिप्स होने वाला हो तब आप उस इमेज को चेक करने की इमेज को देखने की कोशिश करो दैट कुड बी सो मच फन आपको बहुत ही मतलब मजा आएगा हैज दिस थॉट वी सा अपसाइड डाउन इमेज ऑफ पीपल ऑन द रोड भूजो ने देखा बूजो हैज दिस थॉट वी सा अपसाइड डाउन इमेजेस ऑफ पीपल ऑन रोड रोड पे जो भी पीपल वगैरह मूव करते हैं उनकी अपसाउड इमेजेस उसको नजर आती है विद

जो भी फॉर्मेशन हो रही है शेडो की जो भी फॉर्मेशन हो रही है पिनोवल कैमरा जो भी इमेज बना रहा है वो कब पॉसिबल है जब एनी इफ लाइट मूव इन स्ट्रेट पाथ क्या तभी पॉसिबल है जब कोई लाइट है वो स्ट्रेवल जो ट्रेवल करती है स्ट्रेट पाथ में ठीक है तभी वो पॉसिबल है यस yes, तभी वो पॉसिबल है जब कोई लाइट ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट पाथ में ठीक है तो एक्टिविटी सिक्स की हेल्प से आपको और क्लियर हो जाएगा लेटेस्ट यूज अ पीस ऑफ पीस और लॉन्ग रबर ट्यूब आपने कोई पाइप लेना है लाइट उसको मोमबत्ती को जलाना है एंड वन एंड ऑफ द रूम और नाउ स्टैंडिंग एट अदर एंड ऑफ द रूम और लुक एट दैंडल पाइप और आपको पाइप की हेल्प से कैंडल को देखना है ठीक है तो फिगर इलेवन पॉइंट सेवन ए है इज कैंडल विजिबल आपको कैंडल विजिबल होगी बिल्कुल विजिबल हो क्यूंकि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है ठीक है तो बैंड द पाइप अ लिटिल वाइल यू यू आर लुकिंग एट द कैंडल फिगर सेवन इलेवन पॉइंट सेवन बी उसके बाद आप पाइप को बैंड करके देखो कि आपको लाइट नजर आएगी नहीं बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी इज द कैंडल विजिबल नो नो टर्न द पाइप अ लिटिल लिटिल टू योर राइट और लेफ्ट और कैन यू सी द कैंडल नो नहीं आप बिल्कुल भी न... क्योंकि लाइट हमेशा क्या करती है हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है ठीक है अब हमने इसको यहां से इसको बैंड कर दिया तो आपको नजर नहीं आएगी लाइट कैन यू सी द कैंडल now what डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस आपको क्या कंक्लूड यही हमें कंक्लूड निकाला हमें यही निष्कर्ष निकाला कि जो लाइट हमेशा सीधी रेखा में होके गुजरती है form, जो कोई भी ओपाक ऑब्जेक्ट बीच में आता है तो तभी एक शेडो की फॉर्मेशन होती है ओके okay? उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक का टॉपिक इलेवन पॉइंट एंड रिफ्लेक्शन आईना ठीक है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन वी आल यूज मिरर्स एट होम हम सभी अपने घरों में मिरर्स का यूज करते हैं यू लुक इन टू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इन साइड द मिररर ठीक है mirror, आप आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखते हो ठीक है और वट यू सी आर रिफ्लेक्शन आपको क्या नजर आएगा अपोजिट में ही आपका चेहरा नजर आएगा ठीक है वट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर ओके तो वट वी ऑल्सो सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिररर और कोई भी ऑब्जेक्ट है मिररर के जो भी सामने ऑब्जेक्ट आएगा उसकी अपोजिट जो है वो इमेज बनेगी समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज कई बार हम ट्रीज की रिफ्लेक्शन को देखते हैं बिल्डिंग्स को देखते हैं एंड ऑब्जेक्ट्स इन द वॉटर ऑफ अंड और अ लेक ठीक और दूसरे ऑब्जेक्ट है ठीक है वोटर के अंदर या फिर कोई पोन्ट के अंदर हो रहा है लेक ठीक है मिर के सामने इन चीजों को देखते हैं तो उनका रिफ्लेक्शन नजर आता है ठीक है तो एक्टिविटी एक्टिविटी में में क्या दिस शुड बी डन एट नाइट नाइट, नाइट में करनी या फिर किसी डार्क रूम में करनी है आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड अ मिरर इन हर एंड एक अपने मित्र को बोलना कि एक हाथ में वो मिरर को पकड़े और एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम और स्टैंड एट अनोदर कॉर्नर विद टोर्च टोर्च के साथ खड़ा हो जाए दूसरे मित्र को बोलना है तो कवर कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन उसको ऑन करना है और एडजस्ट योर फिंगर्स विद अ स्मॉल गैप स्मॉल गैप रखना है टॉर्च के फ्रंट सरफेस पे और बिटवीन देम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट आपको लाइट की बीम नजर आएगी डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट इन टू ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग ऐसे यहां से आपने टॉर्च दिखाया उसको आईने पे डाला और फिर आपके यहाँ पे आपके फ्रेंड्स पे लाइट फॉलो की ठीक है डायरेक्ट द बीम ऑफ द टोर्स लाइट ऑन टू तो द मिरर दैट यूर फ्रेंड्स इज होल्डिंग और डू यू सी आ, पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड क्या आपको दूसरी साइड भी लाइट नजर आएगी फिगर इलेवन पॉइंट एट में आपको दिखा रखा है ठीक है तो नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द सो दैट द पैच ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एन उदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है करता. Mirror. एक mirror से वो टकराती त्रकरा, है लाइट मिरर से टकराएगी और अपनी लाइन को अपने पाथ को चेंज कर लेगी ठीक है लेकिन फिर भी स्ट्रेट लाइन में वो चलती है एक्टिविटी एट में क्या है फिक्स कोम ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकोल सीट थर्मोकोल सीट पे एक कंगे को फिक्स करना है और एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड और एक मिरर को फिक्स करना दूसरे साइड में जैसे कि फिगर इलेवन पॉइंट नाइन में आपको बता रखा है ये थर्मोकोल सीट है यहाँ पे कंगे को फिक्स करना है और यहाँ पे मिरर को रखना है फिर यहाँ से टोर्च की लाइट आपको डाल लिया स्प्रेड अ डार्क कलर्ड शीट ऑफ अ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कोम और कीप दिस इन सनलाइट और सेंड बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टोस थ्रू द कोम ठीक है और व्हाट डू यू आपको क्या नजर आएगा डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 11.9? आपको ऐसा पैटर्न शो होगा ठीक और दिस एक्टिविटी की मैनर इन विच लाइट ट्रेवल्स एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर ये भी हमें यही बताती है कि कोई भी लाइट ट्रेवल होगी और रिफ्ले... मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस वो आएगी और फिर वो स्ट्रेट लाइन में ही होके चलती है ठीक है तो ये आपका स्टूडेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर हमारा था स्टूडेंट इलेवन ठीक है आपको कोई भी डाउट हो तो आप तो आप व्हाट्सअप पे कॉमेंट करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो ओके